हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। और कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लेट्स क्रैक 6 सीबीएसई पे। जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से आ जाइए। और आप सब कैसे हैं? तो बेटा, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास में आ जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको बच्चों मालूम है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपकी तैयारी कराते हैं, अच्छे से प्रिपेयरिंग कराते हैं आपके सब्जेक्ट्स पर, आपके अच्छे से कमांड के लिए आपकी प्रिपेयरिंग बेसिक से कराते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाएं। यहाँ पर बच्चों देखिए, टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपकी तैयारी कराएंगे। गुड क्वालिटी कंटेंट है। आपका जो सिलेबस भी है बच्चों, वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है। जो कंटेंट है वो गुड है बच्चों। आप जिस सब्जेक्ट की आप वीक हैं, जिसमें आपका कमांड नहीं है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। जिन जिन बच्चों ने अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप बच्चों डाउनलोड नहीं किया है, वो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बच्चों फ्री लाइव क्लासेस होती है, स्पेशल क्लास होती है, उसमें आप वो भी अटेंड कर सकते हैं हमारी। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी कह दीजिए कि वो भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। चलिए, जब तक आप आते हैं तब तक मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है। मेरा 17 इयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है। मैं हिंदी के बच्चों की तैयारी कराती हूँ। मैं यूपीएसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों की तैयारी कराती हूँ बच्चों, और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। आपके एग्जामिनेशन क्रैक करने में आपकी ये मदद करेंगे बच्चे। आपको हिंदी व्याकरण में बेसिक से समझाऊंगी कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न में, आपके हिंदी व्याकरण में से जो भी प्रश्न आएंगे, तो आपको बेसिक से समझाऊंगी कि आपको कोई भी उसमें से डाउट ना रहे। जल्दी से आ जाइए। अच्छा, आपको मालूम है अगर आप यहाँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो देखिए आपको कितने बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट चीज बच्चों, यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, उनका जो है अपने सब्जेक्ट्स पर पूरा बहुत अच्छे से कमांड है, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, क्विज होगा, और क्विज होगी तो आप देख सकते हैं कि आप किस टॉपिक में आप वीक हैं, आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, तो उसमें अच्छे से कमांड के लिए वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और बच्चों अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी में डिक्टेट किया जाएगा, हिंदी में समझाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में समझाया जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, तो आपके लिए सब तरीके से ये बेनिफिशियल है बच्चों। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए देखिए कितना अच्छा है बच्चों। देखिए यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस जो होती हैं, उसमें आप अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो, अपने क्लियर करते हो। और यहाँ पर जब क्लासेस होती हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसमें डाउट क्लियर करो कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाओ, उसमें मार्क्स अच्छे से गेन कर पाओ आप। और मेन बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है। आप 6th क्लास के हो तो आपका जो इंग्लिश का कोर्स है, हिंदी का है, साइंस का है, किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लीजिए, तो आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी, है ना।
जो आपका जैसे देखिए हिंदी में है, आपका हिंदी व्याकरण में पूरा कोर्स आता है, इंग्लिश में पूरा आता है, लैंग्वेज में आपका, मैथ्स में पूरा कोर्स आता है, सोशल स्टडी साइंस में क्या होता है डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपके सिलेबस के आपका जितना हाफ ईयरली में आ गया, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पर मेन बच्चों आपको टॉप एजुकेटर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको बेसिक से आपको जो भी प्रॉब्लम होगी बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप उनसे आंसर करेंगे, आपके आंसर क्लियर किए जाएंगे बच्चों। तो अच्छे से आपकी तैयारी के लिए जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने सब्जेक्ट पर अच्छा सा कमांड के लिए। अब बच्चों लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पर क्विज होगी, उसके थ्रू देखिए आप जैसे स्कूल में आप एग्जाम देते हैं, आप तैयारी करते हैं, आपका फ्रेंड फर्स्ट आता है, आप थर्ड आते हैं, अगर आपकी रैंक थर्ड आई तो आपकी तैयारी नहीं हुई, यानी कि किसी सब्जेक्ट में आप आएंगे कम नंबर आए, तो आप क्या करते हो यहाँ पर क्विज जो होती है उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी किस टॉपिक में कम नंबर है, किस टॉपिक में आप वीक हो। तो उसके अच्छे कमांड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, है ना। लाइव क्लास यहाँ पर अटेंड करोगे आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे, है ना। यहाँ पर बच्चों देखिए टॉप एजुकेटर्स में जो आपकी तैयारी कराएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, सारे सब्जेक्ट में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। उसमें देखिए कुणाल किशोर सर हैं, निकिता मैम है, सृष्टि मैम है, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम एंड हिना मैम, ये आपके सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कराते हैं। और ये टॉप एजुकेटर्स है, वेल क्वालिफाइड है, आपको बेसिक से समझा करके आपके जो भी क्विज में आप क्विज देते हैं तो आपको पता चलता है ना कि आपको ये प्रश्न नहीं आया, क्यों क्वेश्चन नहीं आया, आपको कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपके डाउट्स बच्चों क्लियर करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं, है ना। और देखिए कॉम्प्रेंसिव सिलेबस में बच्चों यहाँ पर साइंस में देखिए 4 कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स में 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश के 3 कोर्सेज हैं, सोशल स्टडी के 3 कोर्सेज हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। और आप बच्चों अगर आपके फ्रेंड्स ने और आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें फ्री क्लासेस होती हैं और स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपको तो मालूम है जो हमारा 6 to 12th है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपकी तैयारी 6 to 12th अगर अच्छी होती है तो आप उस कॉम्पिटिशन को आप बीट कर सकते हो। आप जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी डाउनलोड करने के लिए कहिए कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। हाँ, लिंक आप शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे क्लास में आ जाएं। आप देखिए टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको मैं लिंक बच्चों शेयर करती रहूंगी, है ना। वहां से आपको पता चल जाएगा मेरी क्लासेस कब होती हैं, यूट्यूब पर कब होगी, मेरी अनअकैडमी ऐप पर कब होगी स्पेशल क्लास, तो आपको मैं लिंक शेयर करती रहूंगी। तो आप अनअकैडमी आप टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, 1 month का सब्सक्रिप्शन बच्चों केवल आपका 2500 का है, इसमें आप सारे सब्जेक्ट से अच्छे से तैयारी करते हो। 6 months का आपका केवल 10,000 का, पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, केवल 1,667 रुपीज है, 33% ऑफ करके। तो आप जल्दी से बच्चों ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे कि आपका क्या हो, अच्छे से तैयारी हो पाए। आप हर एक सब्जेक्ट में कंपटीशन में आप क्या करते हो, एक एक नंबर से आप पीछे रह जाते हो, है ना। तो आपकी अच्छे से तैयारी हो, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 12 month का सब्सक्रिप्शन देखिए बच्चों 13,500 का है, और पहले देखिए 15,000 का था, इस टाइम तो आपको ऑफ कितना मिल रहा है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल 1,250 रुपीज है। और आपकी देखिए अगर आप इस पर भी मेरा रेफरल कोड बच्चों आप यूज करिए, Pooja01 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 आप यूज करते हो तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए आप 12 months का अगर आप लेते हो, 24 months का, तो 22,500 का है, और आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट तो बहुत ही कम है, 1,042 रुपीज है। तो जल्दी से बच्चों क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको आपकी प्रिपेयरिंग करने में, तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सब्जेक्ट पर, आपके टॉपिक पर अच्छा कमांड हो। जल्दी से बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए कि वो भी क्लास में आ जाए।
चलिए आज मैं आपको हिंदी के मेन लेसन जो आपका मुख्य रूप से आता ही है हिंदी व्याकरण में, संज्ञा है ना, उसका मैं आज आपको रिवीजन कराती हूँ कि जो आपको डाउट्स रह गए हैं, आप संज्ञा में जो गलतियां करते हैं, संज्ञा छांटने में, संज्ञा आप भावाचक संज्ञा बदलने में, क्रिया से आप विशेषण कैसे आप उसमें गलतियां करते हैं, कौन कौन सी आपसे मिस्टेक हो जाती है ना, वो मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले आप मेरा लिंक शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे आ जाओ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम आगे पढ़ाते हैं आपको संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है संज्ञा बच्चों? जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं है ना, जो बोल सकती हैं, सजीव हैं, जो निर्जीव हैं, जो नहीं बोल सकती हैं, सबके कुछ ना कुछ नाम है ना। आपके अगल बगल देखिए, आपका भी कुछ नाम है, आप क्या है, संज्ञा है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगल बगल, आप क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो सबका कुछ ना कुछ नाम है। आप खेलने जाते हो, पार्क में जाते हो, तो सबका कुछ ना कुछ नाम है। आपके फ्रेंड्स का नाम है, आप पार्क में जाते हो, आप क्या देखते हो वहां पर, ट्रीज देखते हो, फ्लावर्स देखते हो ना, पेड़ पौधे देखते हो, पक्षी देखते हो वहां पर, तो क्या सबके नाम है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। वह क्या है, हमारे संज्ञा शब्द है, संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। दिन निकल आया, दिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। मैंने आपको क्या कहा, जो भी आपके आसपास कुछ भी सजीव हो या निर्जीव हो, सबका कुछ ना कुछ नाम है, वह क्या है, हमारे संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा शब्द। पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी यहाँ पर क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। सूर्य की रोशनी से उपवन का सौंदर्य खिल उठा, सूरज की जब रोशनी आई तो हमारे बगीचे का सौंदर्य, बगीचे की जो सुंदरता है वो और बढ़ गई, तो क्या हुआ, सूर्य क्या है, हमारा संज्ञा शब्द। रोशनी क्या है, हमारी संज्ञा शब्द। उपवन बगीचा क्या है, हमारा संज्ञा। सौंदर्य क्या है, संज्ञा। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी संज्ञा है, कैसे आप पहचानेंगे कि सूर्य कौन सी संज्ञा है, रोशनी, उपवन, सौंदर्य, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। आगे क्या है बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। संज्ञा के भेद अच्छे से समझ लीजिए कि संज्ञा जो है आपके तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों आपको मालूम है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है, और इसमें से आपके मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और आप जातिवाचक संज्ञा की आपको परिभाषा आती है उसके आप उदाहरण दीजिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके उदाहरण दीजिए। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप लिख सकें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पता चले हमें किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष वस्तु, किसी एक विशेष स्थान का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बच्चों अच्छे से परिभाषा समझ में आई, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, आपका नाम हो गया, ठीक है, मेरा नाम हो गया, आपके फ्रेंड दोस्त का नाम हो गया, फ्रेंड का नाम हो गया, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पुस्तकें जितनी है हमारी, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, ठीक है, कामायनी हो गई, ये सब क्या है, हमारी पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम किसमें आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। किसमें बच्चों आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है, स्थान। स्थान जैसे आप ले लीजिए दिल्ली, कानपुर, बरेली, ठीक है, आपका ये सब क्या आएगा, हमारे स्थानों के नाम है ना।
आगरा, लखनऊ, ये सब क्या है, हमारे स्थान के नाम है। ये सब किस में आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, नदियां हमारी, जितनी भी नदियां हैं हमारी, गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, ये सब हमारी आती हैं किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। पहाड़ हमारी जितने हैं, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, ये सब हमारे किसमें आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। त्योहार जितने हैं, होली, ईद, दीपावली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब किसमें हमारे हैं, संज्ञा शब्द में, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं ये सब। अच्छे से समझ लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप कंफ्यूज होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो भी हमारे व्यक्तियों के नाम है, जितनी भी पुस्तकें हमारी हैं, स्थान है हमारे, नदियों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, त्योहारों के नाम है, ये सब हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, जिस संज्ञा शब्दों से जैसे एक जैसे प्राणियों, एक जैसे स्थान और वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाति, किसी जाति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए मछली क्या है, जैसे प्राणी में लीजिए मछली, मछली अगर आप बोलते हैं तो पूरी मछली, जितनी भी मछलियां हैं, मछलियों की जाति है ना, जाति वाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। घोड़ा है ना, एक आप एक पर्टिकुलर घोड़े का नाम नहीं ले रहे हैं, आप घोड़े का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर एक घोड़े का नाम लेते हैं तो घोड़े का कुछ नाम है तो उस तो आएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन आप क्या, घोड़ा, घोड़े में जितने भी घोड़े हैं सब आए तो वहां क्या होगा, जातिवाचक, पूरी जाति का आप बोध करा रहे हैं, वहां पर क्या होगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। लड़की, आप अगर कहते हैं सीता का, सीता अपना काम कर रही है तो सीता यहाँ पर क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। आप कहते हो लड़की काम कर रही है, लड़की, लड़की का प्रयोग करते हो तो लड़की क्या है, जाति, पूरी लड़की जाति है ना, जितनी भी गर्ल्स है, जितनी भी लड़कियां हैं, सब लड़की, ये क्या है, पूरी लड़कियां, ठीक। और यहाँ पर अगर आप नाम लेते हो सीता, गीता है ना, रेशमा, कोई भी आप नाम लेते हो तो वो आपके आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप पूरी जाति का बोध कराते हो जैसे, तो वह क्या आएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान में आप बाजार कराते हो है ना, बाजार, आप बाजार में कितनी सारी दुकानें हैं है ना, किसी किस किस चीज की आपकी दुकानें हैं, तो सारी दुकानों का आप क्या कहते हो, हम बाजार जा रहे हैं है ना, आप बाजार जाते हो, वहां पर कपड़े की भी दुकानें हैं आपकी, आपके, आप मेकअप का भी सामान लेते हो तो मेकअप की भी आपकी दुकान है, सारे बाजार में मतलब सब चीजों की दुकान है आपकी है ना, कॉस्मेटिक की शॉप है, सब कुछ है, तो वह क्या हुआ, बाजार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आप केवल एक का नाम लेते हो, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान, ठीक है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि आपने क्या बोला, मैं कपड़े की दुकान है ना, आप एक व्यक्तिवाचक उसमें आएगा, जातिवाचक पूरी जाति का बोध करा रहा है हमारा। नदी, आप नदी का नाम अगर लेते हो सरयू नदी, ठीक है, आप नदी का नाम लेते हो गंगा नदी, यमुना नदी, तो आप एक नदी का नाम लेते हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। आप कहते हो नदी केवल, तो नदी में हाँ क्या, पूरी नदियां आ गई, जितनी नदियां हैं सब आ गई, तो वह क्या हमें बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है ना, तो वह क्या होगा हमारा, क्या, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। दुकान, पहाड़, ये सब क्या है हमारे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब बच्चों आपको मालूम है जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, आपको मालूम है कितने भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के, दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये आपसे पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के बच्चों दो भेद होते हैं, कितने, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं, ये देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, जिसे आप ग्रुप कहते हैं, समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक को बच्चों एक और संज्ञा भी कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अगर आप समुदाय या समूह आता है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि समुदाय और समूह ये दोनों चीजें क्या है, एक ही है ना, एक ही संज्ञा है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कक्षा में क्या है, समूह है बच्चों का, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं है ना, पूरा समूह है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक।
राम की टीम ने मैच खेला। टीम क्या हुई? समूह है वहां पर, एक दो बच्चे नहीं है, पूरा ग्रुप है वहां पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? टीम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे बच्चों? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समुदायवाचक। समूह और समुदायवाचक एक ही है, जो किसी पूरे समूह का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे समूहवाचक। अब देखिए उसमें द्रव्यवाचक, द्रव्य से आपको पता ही चल रहा है, द्रव मैंने क्या होता है? लिक्विड है ना, किसी पदार्थ का बोध कराए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध होता है, किसी धातु या पदार्थ के नाम का, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों क्या कहेंगे उसे? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, ये सब क्या है? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। आप तेल लेते हैं, ये क्या है? हमारा द्रव्य है, लिक्विड है ना, ये क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, ये सब किस में आएंगे? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। बच्चों ये अच्छे से समझ लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाव से पता चल रहा है आपको, भाव। आप कभी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो आपके जो चेहरे पर भाव होते हैं है ना, पता चल जाते हैं कि आज आप नाराज हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आप पता चल जाता है आपके फेस से कि आज आप क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वह क्या है? हमारा भाव, भाव प्रकट करता है। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति या भाव है ना, स्थिति, भाव, दशा का आदि का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, और आप भाववाचक संज्ञा में बच्चों का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते भाववाचक संज्ञा को, है ना। आप देखिए बुढ़ापा है, गरीबी है, सुंदरता है, आप इसको महसूस कर सकते हैं कि आपकी दोस्त जो है बहुत सुंदर है, ठीक है। और बचपन, बचपन देखिए, बचपन भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन आप एक चीज है, बचपन को आप स्पर्श नहीं कर सकते, बचपन को आप क्या कर सकते हैं? केवल आप क्या करेंगे? आप इससे स्थिति और दशा का पता चल सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। तो बुढ़ापा, सुंदरता, गरीबी, बचपन, लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। किसमें आएंगे बच्चों? ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसे आप केवल क्या कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो आपको ये इसमें एग्जाम में आती है, संज्ञा की परिभाषा तो आती ही आती है बच्चों, लेकिन इसके आपको भेद आते हैं लिखने के लिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये मैं पहले आपको क्लास में बता चुकी हूँ, आज मैं रिवीजन के उसमें आपको बता रही हूँ कि अगर आपके अब आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले, मासिक परीक्षा, तो उसमें ये आपके आ सकता है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि उसमें कोई आपके मिस्टेक नहीं हो ना। ये आपको मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से परिभाषा आपको नोट करनी है तो आप नोट कर लीजिए। इसमें देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने समझाया, राम, मदर टेरेसा, ऐश्वर्या रॉय, अलाहाबाद, संसद भवन, हिमालय, रामचरितमानस, चेतक, चेतक घोड़े का नाम है ना, ये किसके घोड़े का नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, क्या था? चेतक था, है ना। हिमालय पर्वत, संसद भवन, अलाहाबाद, ये सब क्या है? हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, ठीक है। आपका जिन शब्दों से जातिवाचक, देखिए, जिन शब्दों से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में देखिए, लड़का, महिला, महिला में जितनी औरतें हैं वो सब आपका बोध करा रही है ना। घोड़ा, खरगोश, खरगोश का आप अगर एक नाम है तो वह किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में। खरगोश आप बोल रहे हैं तो खरगोश में पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या आएगा? हमारा जातिवाचक में। गाय, शहर, गांव, नदी, पेड़, ये सब बच्चों हमारे किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अच्छे समझ में आया? अब इसमें कोई बच्चों डाउट तो नहीं है? जातिवाचक संज्ञा के बच्चों दो भेद होते हैं, देखिए ये भी अभी मैंने आपको बता दिया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, भाव, दशा अथवा अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया मोटापा, ईमानदारी, सुंदरता। भाववाचक संज्ञा आपको बच्चों बनाने के लिए आती है। इसमें आप अभी देखिएगा, आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से आपको, यहीं से आप गलतियां करते हैं अपने पेपर में। आपका जब एग्जाम होता है ना, आपको भाव संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आती है, तो आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं। आप भाववाचक संज्ञा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करें, है ना। इसे अच्छे से समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा आपको बनाने का तरीका क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जो जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय में बच्चों क्या, प्रत्यय लगाया जाता है। इन सब में अगर आप प्रत्यय लगाते हैं, पन, ता, ई, इक, ये सब क्या है, प्रत्यय है। अभी मैं प्रत्यय आपको आगे पढ़ाऊंगी सब पूरा। तो प्रत्यय लगाया जाता है तो वह क्या बन जाता है हमारा, भाववाचक संज्ञा। आप भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें आप प्रत्यय लगा देंगे तो आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए जातिवाचक संज्ञाओं से आप भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाते हैं। बच्चा में आपने पन प्रत्यय जोड़ दिया, बच्चा में पन प्रत्यय आपने जोड़ा तो क्या हो गया हमारा, बचपन, है ना। लड़का में आपने पन प्रत्यय जोड़ा तो आपका हो गया बच्चों लड़कपन, क्या हो गया हमारा, लड़कपन। बूढ़ा में आपने प प्रत्यय जोड़ा, ये जातिवाचक है, आपको बच्चा आपका क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, लड़का, बूढ़ा, मनुष्य, है ना। मनुष्य में जितने पुरुष जाति है सब है मनुष्य में, है ना, मनुष्य जाति, स्त्री पुरुष सब, चित, मित्र, मित्र में जितने आपके फ्रेंड्स है, जितने राम, श्याम, सब, सीता, गीता, सब आए मित्र आपके, ठीक है। तो मित्र पूरी क्या, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं ना, नारी जितनी भी स्त्रियां हैं सबका बोध करा रहे हैं। नेता, जितने भी नेता हैं, नेता का एक नाम नहीं लिया गया यहाँ पर, तो ये सब क्या है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा में आपने क्या लगाया, पन प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय लगाया, त्व लगाया, तो वह क्या हमारी बन गई, भाववाचक संज्ञा। बचपन, लड़कपन, क्या हुआ हमारा, लड़कपन। बुढ़ापा, मनुष्यता, मित्रता, नारीत्व, क्या हुआ आप हमारा, नेतृत्व। ये सब हमारे बच्चों क्या हुए, भाववाचक संज्ञा बनाए गए। इसमें से आपका नेता मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बूढ़ा आता है, मनुष्य आता है, ये जो मैंने शब्द लिए हैं आपके अकॉर्डिंग ऐसे लिए हैं कि आपको, बच्चों आपको ऐसे लिए हैं कि ये आपको एग्जाम में आते हैं, वो शब्द मैंने लिए हैं कि आप उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए कि प्रत्यय लगाकर कि कैसे जातिवाचक से आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया, चलिए आगे हम बताते हैं आपको। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, बच्चों विशेषण से भी आपके भाववाचक संज्ञा बनती है। क्या विशेषण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सुंदर क्या है हमारा, विशेषण। कठोर, कायर, लंबा, गंभीर, बड़ा, योग्य, इनमें आपने क्या लगाया, प्रत्यय लगाया। फिर हेलो सुमित, और कैसे हो बेटा, देखिए आपने बहुत क्लास मिस कर दी, आज मैं संज्ञा का रिवीजन करा रही हूँ। इसमें से जो प्रश्न मैं करा रही हूँ बच्चों, वो आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छे तरीके से तैयारी करिए कि आपके जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, जो मासिक परीक्षा, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, मासिक परीक्षा जिसकी होगी, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाए, पूरे नंबर लेकर आ पाए। आपके 50 का पेपर होता है, 20 का होता है, तो आप पूरे पूरे नंबर लेकर के आइए, है ना। आपका हिंदी व्याकरण में छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है जिसमें आपके नंबर कट जाते हैं। तो विशेषण से देखिए बच्चों भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। एक शब्द हमारे कठोर, सुंदर, कायर, लंबा, गंभीर, बड़ा, योग्य, ये बच्चों हमारे क्या है, विशेषण शब्द हैं। विशेषण में आपने क्या किया, ता प्रत्यय लगाया,
प्रत्यय लगाया, पन प्रत्यय लगाया, तो ये आपने क्या किया, प्रत्यय लगाने से आपका क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। मैंने अभी आपको बच्चों बताया कि आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करना है, आपको जातिवाचक से, विशेषण से आप प्रत्यय लगाते हो तो उन्हें जोड़ करके आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, सुंदरता, सुंदर में ता प्रत्यय, सुंदरता, कठोरता, कायरता, लंबाई, ये क्या है आपके, गंभीरता, कड़प्पन, योग्यता, ये सब आपने प्रत्यय लगाकर क्या बनाया बच्चों, भाववाचक संज्ञा। अब यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अच्छे समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्वनाम शब्द जो होते हैं बच्चों, उनसे भी आप भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आती है। आपके बसंत पुस्तक में भी है बच्चों कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो भी मैंने इससे पहले बताया आपको, सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, राम अपना काम खुद करता है। ठीक है, राम की जगह आपने वह अपना काम खुद करता है, तो राम की जगह आपने क्या किया, वह का प्रयोग किया, यह हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो उन्हीं से हम भाववाचक संज्ञा बच्चों कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है जैसे अपना, पराया, सर्व, अनेक, मम मैंने मेरा होता है बच्चों, बहु मैंने बहुत सारा होता है, ये क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में आपने अपना में त्व प्रत्यय लगाया, क्या हो गया हमारा, अपनत्व। पराया में आपने पन प्रत्यय लगाया, परायापन। सर्व में आपने क्या लगाया, स्व प्रत्यय लगाया, सर्वस्व। अनेक में आपने त्व प्रत्यय लगाया, क्या हो गया आपका, अनेकत्व। मम में आपने त्व प्रत्यय लगाया, क्या हो गया, ममत्व। बहु में आपने त्व प्रत्यय लगाया, बहुत्व। तो सर्वनाम से बच्चों कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, अच्छे समझ में आया, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इन सबसे आपको प्रत्यय लगा करके आपको ये केवल आता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करना क्या है, कैसे करें, तो आप सिंपल सी बात याद कर लीजिए कि इसमें क्या लगाएंगे, आप प्रत्यय लगा करके आप भाववाचक संज्ञा बनती है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी मैंने बताया, विशेषण से आपको बताया, सर्वनाम से बताया, इनसे क्या आप क्या करेंगे, जातिवाचक से आप भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। आप इससे विशेषण से अभी आपने सीखी, अब आपने क्या सीखा, आपने सर्वनाम से सीखा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो क्रिया है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया से आप भाववाचक संज्ञा बच्चों कैसे बनाते हैं, क्रिया शब्द क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्रिया कहते किसे हैं बच्चों, जल्दी बताइए, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे राम जाता है, यहाँ पर जाना क्या है, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये सब क्या है, हमारी काम करने की क्रिया को बता रहे हैं ना, काम करने के ढंग को बता रहे हैं, ये क्या है, हमारा क्रिया है। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे हंसना, लिखना, चुनना, काटना, सिलाई, चिल्लाना, थकना, ठीक है, थकना, होना, ये सब क्या है बच्चों, हमारा क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्दों में आप कहोगे कि कैसे ये भाववाचक संज्ञा मैम बनती है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, प्रत्यय लगा देते हो। अगर आप प्रत्यय लगाते हो तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है हमारी। हंसना का हंसी है ना, लिखना का क्या, लिखाई, ई प्रत्यय लग गया, चुनना का चुनाव, आव, काटना का कटाई है ना, सिलाई, सिलना का सिलाई, चिल्लाना का चिल्लाहट, हट प्रत्यय लगा है बच्चों यहाँ पर, देखिए है ना, थकना का थकावट, थकना, थकना का क्या हुआ, थकावट, वट प्रत्यय लगा, होना का बच्चों बुआई, बुआई हुई, तो ये क्या है हमारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा, क्या है हमारे, भाववाचक संज्ञा। अब आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
अब देखिए बच्चों, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अव्यय मैंने आपको समझाया था कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय दूर, समीप, शाबाश, शीघ्र। आज बच्चों मेरी स्पेशल क्लास उसमें हुई थी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पर मैंने आपको अव्यय समझाया था। और अव्यय के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है, पैटर्न वही रहता है बच्चों, तो वो आपकी अच्छे से तैयारी कराई थी। तो अव्यय क्या कहते हैं हम, अच्छे से तैयारी करने के लिए आप मेरी क्लासेस को, स्पेशल क्लास को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, मेरी जो भी आपको टेलीग्राम ऐप पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जो मेरी नेक्स्ट जो स्पेशल क्लास होगी आप अटेंड करिए। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपको, वो आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में वीक हो बच्चों, तो अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। देखिए अव्यय किसे कहते हैं, पूर्ण, समीप, शाबाश, शीघ्र, निरंतर, शिक्षक, परस्पर। आपको बच्चों संज्ञा सर्वनाम है ना, इन शब्दों लिंग वचन के कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है वाक्य में, उनको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, अव्यय। और बच्चों अव्यय को है हम अधिकारी शब्द भी कहते हैं, पूर्ण, समीप, शाबाश, ठीक है। पूर्व में भाववाचक संज्ञा आपने कैसे बनाई, प्रत्यय लगाया दूरी, समीप में ता प्रत्यय लगाया समीपता, शाबाश कहते हो आप, तो प्रत्यय आपने लगाया शाबाशी, ई प्रत्यय लगाया। शीघ्र में क्या, शीघ्रता। निरंतर में क्या होगा बच्चों, निरंतरता। शिक्षक का क्या होगा बच्चों, शिक्षण। परस्पर में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, पारस्परिक होगा, इसका क्या होगा भाववाचक संज्ञा, क्या होगा, पारस्परिक। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक आपको, कि क्या होता है, अच्छे से समझा आपने। चलिए आगे देखिए, अभ्यास कार्य। अब आप बताइएगा कितने आंसर आपको समझ में आए, कितना समझ में आया। देखिए आपको, आपके अच्छे से प्रिपेयरिंग हो जाएगी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसी तरीके से आपको मैंने ये कराया है। जाति वाचक संज्ञा है बच्चों, यहाँ पर जाति वाचक संज्ञा क्या है, कबूतर की बचपन। जाति वाचक संज्ञा क्या है बच्चों, यहाँ पर कबूतर की बचपन क्या है, जल्दी बताइए। कबूतर है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बचपन है। यहाँ पर बच्चों देखिए, बचपन क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट कर रहा है ना, मैंने आपको वही समझाया भाववाचक संज्ञा। कबूतर क्या है, कबूतर एक जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कबूतर। कबूतर क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा, क्या है बच्चों हमारा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा क्या है, हिमालय या सुंदरता। हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि सुंदरता, जल्दी बताइए। हिमालय है कि सुंदरता, क्या है बच्चों, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या है बच्चों, हिमालय। क्या है, हिमालय। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब एक पर्वत का नाम है हिमालय, यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता क्या है, भाव को प्रकट कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, सुंदरता क्या है हमारी, भाववाचक संज्ञा, ये भाव को प्रकट कर रहा है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा है गरीबी की मजदूर, जल्दी बताइए। गरीबी है कि मजदूर है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अभी मैंने आपको बता दी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, गरीबी की मजदूर। गरीबी क्या है बच्चों हमारे, क्या है, भाववाचक संज्ञा। गरीबी क्या है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा हमारी गरीबी है। मजदूर क्या है, मजदूर तो हमारे जातिवाचक संज्ञा, जितने मजदूर हैं बच्चों, जितने भी मजदूर हैं है ना, वह किस में आएंगे हमारे, जातिवाचक संज्ञा में। कितने, जातिवाचक संज्ञा में। गरीबी, गरीबी भाव प्रकट कर रही है, तो वह किसमें आएगी बच्चों, हमारे भाववाचक संज्ञा में। किसमें आएगी, भाववाचक संज्ञा में। क्रोध कौन सी संज्ञा है, क्रोध शब्द कौन सी संज्ञा में आएगा, भाववाचक संज्ञा में बच्चों आएगा कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा,
जल्दी बताइए कि क्रोध हमारा किस में आएगा। ये शब्द आपसे पूछा जाता है, क्रोध कौन सी संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा है शब्द ये हमारा कि जातिवाचक संज्ञा है। जल्दी बताइए क्रोध हमारा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। क्या है बच्चों हमारा क्रोध, क्रोध हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है। क्रोध आप भावों को प्रकट करता है। आप देखिए, आप जब गुस्सा होते हैं तो आपके फेस के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि क्रोधित हैं आप, क्या आपके भावों को प्रकट कर रहा है। क्या है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा। जाति हमने क्या बताया आपको, जाति मजदूर जैसे हुआ हमारी, ठीक है, मजदूर पूरी जाति का बोध करा रहा है, वहां होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्रोध आप गुस्सा होते हो, आप खुश होते हो, आपके फेस से आपके चेहरे से पता चल जाता है, भावों को प्रकट करता है, ठीक है। क्रोध को क्या आप कर सकते हो, आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, आप क्या केवल महसूस कर सकते हो, ठीक है, वह क्या है हमारे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा है इसमें से खटास की खट्टा। जल्दी बताइए भाववाचक संज्ञा है, खटास है कि खट्टा है। अभी मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बनाना बताया था कि भाववाचक संज्ञा है, खटास है कि खट्टा है। जल्दी बताइए खटास की खट्टा हमारा इसमें से क्या है भाववाचक संज्ञा। जल्दी से मेरा लिंक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए कि लिंक शेयर कर दीजिए, आपके और फ्रेंड्स भी आ जाएं। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या है, खटास है बच्चों। खटास क्या है हमारी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाते हैं, आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, भाववाचक संज्ञा बन जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी आपकी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि गुणवाचक संज्ञा। ईमानदारी, ईमानदारी बच्चों कौन सी संज्ञा है आपकी, भाववाचक संज्ञा है कि गुणवाचक संज्ञा है ईमानदारी। ईमानदारी भाववाचक कि गुणवाचक, जल्दी बताइए ईमानदारी क्या है, तो गुणवाचक संज्ञा आपके गुण को बता रही है कि आप ईमानदार हो, है ना, आपके गुणों को परखते हैं कि आप ईमानदार हो, है ना। कोई बेईमान होता है ना, तो वो क्या है उसका गुण, अवगुण, अवगुण है उसका कि वो बेईमान है, ठीक है। और गुण क्या है, ईमानदार है, आप अच्छे आदमी हो, है ना, अच्छा भला, ये सब क्या है आपका, क्या है गुणवाचक संज्ञा। मैंने अभी आपको पढ़ाया गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा भाव प्रकट करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप बताइए भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर, डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर किस चीज का बोध करा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा। जल्दी बताइए आपको अच्छे समझ में आया। क्या है यहाँ पर बच्चों, डॉक्टर क्या है, भाववाचक जातिवाचक संज्ञा। जल्दी बताइए, डॉक्टर यहाँ पर क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। डॉक्टर क्या है, आप एक डॉक्टर का नाम नहीं ले रहे हो, है ना, आप डॉक्टर रमेश कहते हो, है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। क्या होगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, डॉक्टर से आप क्या कहते हो, आप जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हो। भाववाचक संज्ञा नहीं, भावों को जो प्रकट करता है, क्रोध खुशी ये वह सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। किसमें आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। ये किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि डॉक्टर से आप पूरी जाति का, डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए, क्या आएगा सुमित, जातिवाचक संज्ञा आएगा। क्या आएगा हमारा, डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा, जहां पर किसी भी पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा आता है। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा बताइए, भाई शब्द क्या है हमारा? भाई शब्द क्या है? जातिवाचक है कि भाववाचक संज्ञा है? बताइए जल्दी से, भाई शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? भाई जाति का बोध करा रहा है कि भाव भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है हमारा? भाई बहन ये सब क्या है हमारे? होली ये सब क्या है हमारे? वेरी गुड सुमित, क्या है हमारे ये? जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है हमारे? जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी भाइयों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। वेरी गुड, ठीक है। भावों में क्या आपकी स्थिति दशा और भाव का पता चलता है, तो वहां होता है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, सोना शब्द किसमें आएगा? समुदाय की द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोना शब्द आपका समुदायवाचक में आएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में? जल्दी बताइए। सोना चांदी ये सब किसमें आएंगे बच्चों? समुदाय की द्रव्य। वेरी गुड, क्या है हमारा? द्रव्यवाचक। सोना क्या है हमारा? द्रव्यवाचक। आपको मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा बताई आपको, जिन संज्ञा शब्दों से बच्चों किसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय अर्थात समूह का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक किसी समूह का बोध होता है, जैसे कक्षा, टीम, ये सब क्या है हमारे? समुदायवाचक। द्रव्य पदार्थों का बोध, तो यहाँ पर क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत अच्छे। आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों? आपके आपको मालूम है कि आपके जब एग्जाम होते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, ये सब आपके हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें से आपको एक्सरसाइजेस आती आती हैं, दो दो प्रश्न तो आते ही आते हैं आपको, है ना। और आपकी कक्षा 6 की बुक बसंत में भी इसमें से क्वेश्चन बहुत से आए हुए हैं, जिसमें कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बच्चों लिंक शेयर करना हमारा बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिन जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, पहले बच्चों आप डाउनलोड कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों, अगर जिस जिसने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, वहां पर मुझे डाउनलोड कर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर स्पेशल क्लासेस जो होती हैं, आप वहां पर मुझसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, है ना, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप देख सकते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कैसे आता है। अब आपका एनुअल पेपर आने वाले हैं, आपके जो है मार्च में फाइनल पेपर होंगे ना, तो आपकी तैयारी हिंदी व्याकरण तो पूरा आता है। हिंदी लिटरेचर में मैं आपको जो है बसंत पुस्तक से पढ़ाती हूँ। तो बच्चों मेरी दोपहर में जो क्लास होती है वो कितने बजे? 1 बजे से 2 बजे होती है। और मेरी शाम को जो क्लास होती है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होती है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करिए, मेरा लिंक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे वो भी मेरी क्लास में आ जाए। और आप टेलीग्राम ऐप फॉलो कर सकते हैं बच्चों, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ऐप पर, इससे वहां पर मैं आपको लिंक जो है वो शेयर करती रहूंगी। आपको वहां पर जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, और जो मेरी यूट्यूब पर होती हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बच्चों लिंक शेयर कर दीजिए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ बच्चों, एवरीडे मेरी रोज क्लासेस होती हैं, दोपहर तो में 1 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। आपको मैं हिंदी व्याकरण की तैयारी कराऊंगी और कक्षा 6 की मैं बसंत पुस्तक से आपको आज शाम को भी मैं हिंदी बसंत का आपको एक लेसन आपको पूरा पढ़ाकर समझाऊंगी कि आपको जो 20 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैम 20 से चैप्टर के 20 से देती हैं, वो आप ओन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कर सकें कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, जल्दी से लिंक जो है शेयर कर दीजिए
अब बच्चों आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं आप वो अटेंड कर सकें उसको। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। अब मेरा रेफरल कोड है बच्चों POOJA01, उसे अगर आप बच्चों यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। जाने से पहले आप मेरा लिंक शेयर कर दीजिए। अब हम शाम की क्लास में आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।